सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भैया द्योज की, और भैया द्योज उदया तिथि के अनुसार अगर मनाई जाएगी तो वो होगी 3 तारीख को। 3 तारीख को मुहूर्त अगर हम चर्चा करें तो ब्रह्म मुहूर्त में भी हम भैया द्योज मना सकते हैं। 4:00 से लेके 5:33 तक हम लोग ये भैया द्योज मना सकते हैं, और उसके बाद जो बहुत सुंदर विजय मुहूर्त है वो दोपहर 1:54 से 2:48 तक है, और गोधूली मुहूर्त जो है शाम 5:34 से 6:00 तक है। तो मुहूर्त तो ये है, आप ब्रह्म मुहूर्त में भी मना सकते हैं और आप मध्यान्ह में और संध्याकाल गोधूली मुहूर्त में भी मना सकते हैं। लेकिन ये बहुत सुंदर बात है, इस दिन जो भैया द्योज भाई बहन का जो पवित्र त्यौहार है ना, ये बड़ा सुंदर बड़ा अद्भुत है। इस दिन जो भाई अपने बहन के घर में जाकर भोजन करते हैं वो भाई को दीर्घ आयु प्राप्त होती है, ऐसी है हमारे संतों का मानना है, ग्रंथों का मानना है कि उनको भैया के यहाँ बहन के यहाँ जाके खाने से भाई को बहुत सुंदर आयु की भी वृद्धि होती है, और कहते हैं कि यमराज की, क्योंकि इस दिन यमराज का नाम लेना चाहिए, बहन को यमुना मैया का दर्शन करना चाहिए। हमारे ब्रज में तो यमदतिया मतलब यमुना मैया का स्नान भी करते हैं उस दिन, और जो भाई बहन मिलकर भाई द्योज के दिन यमुना जी में स्नान करते हैं उन भाइयों को उन बहनों को यमराज का भय नहीं होता, क्योंकि जो यमुना मैया है वो यमराज की बहन है। जो यमुना में स्नान करते हैं यमराज उनकी तरफ कभी देखते नहीं, इसलिए यमुना मैया का बहुत बड़ा महात्म है। यमुना यमदूतन टारत हैं भव टारत हैं श्री राधिका रानी, यमदूतों को टारने का कार्य यमुना मैया करती हैं। इसलिए हमें कई लोग ऐसे हैं जो अधिकांश जिनके पास समय हो संभव हो और चाहते हों यमराज से बचना, तो उन लोगों को चाहिए कि वो भाई बहन मिलकर यमुना मैया का दर्शन भी करें, स्नान करें और वहीं पर ये शुभ त्यौहार मनाएं, अपने भाई द्योज को मनाए। ये भाई द्योज का त्यौहार अपने भाई बहन के संबंध को मजबूत करने का त्यौहार है, और इस दिन हमें अपने भाई बहन के संबंध को मजबूत करने के साथ साथ आज इस देश में जिस तरीके का चलन चल रहा है, एक दूसरे के प्रति भाई बहन के प्रति भी वो निष्ठा नहीं है, वो होनी चाहिए, और अपनी संस्कृति अपने संस्कार को आगे बढ़ाना चाहिए। आप सभी को भैया द्योज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान प्रियाकांत जो आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करें। राधे राधे।